मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, सबों को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम जो कुछ भी आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और 100% आपको उत्तर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रभु किन लोगों की प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। प्रभु उन लोगों की प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनते जो लोग पश्चातापी नहीं होते हैं, पाप करते हैं और अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं। मेरे दोस्तों, हम लोग इस वक्त अभी पाप की दुनिया में रह रहे हैं। इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि पापी नहीं है। लेकिन अगर आप पाप करते हैं तो उन गलतियों को, आप उन पापों को प्रभु के सामने, जब आप प्रार्थना में जाते हैं, उन गलतियों को प्रभु के सामने स्वीकार करते हैं और उन पापों को दोबारा नहीं करते हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि प्रभु कहते हैं, मैं उन लोगों पर दया करता हूँ जो विनम्र और पश्चातापी होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप जब भी प्रार्थना करने जाते हैं, प्रभु के सामने जाते हैं, तो आप उन सारे पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करिए। क्योंकि प्रभु कहते हैं, संत मरकुस अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। मेरे प्रिय मसीह भाई, प्रभु कहते हैं, अगर जब भी तुम प्रार्थना में जाते हो, अगर किसी से तुमको कोई शिकायत है, अगर कोई भी आपका कोई कुछ नुकसान किया है, तो आप उनको क्षमा कर दे, तभी प्रभु आपको भी क्षमा करेगा और आपकी प्रार्थनाओं को भी सुनेगा। और मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु कहते हैं संत मरकुस अध्याय 11 पद संख्या 23 और 24 में, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उठ समुद्र में गिर जा और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि जो मैं कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब भी हम प्रार्थना में जाते हैं और जो कुछ भी हम मांगते हैं, यदि हम उस पर विश्वास कर लें कि वह हमें मिल गया है, तो वह हमें मिल जाएगा, प्रभु हमें वो चीज़ें दे देंगे। लेकिन यदि हम विश्वास नहीं करेंगे, हम प्रभु पर संदेह करेंगे, तो हमको वो चीज़ें, वो प्रार्थनाएँ हमारी कभी पूरी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, हम लोग प्रभु पर संदेह करते हैं, प्रभु हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। वो हमेशा हम पे दृष्टि बनाए रखता है। हम जो भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी हर एक प्रार्थनाओं को देखता है, सुनता है। लेकिन यदि हम उस पे विश्वास नहीं करेंगे, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देंगे। प्रभु हमारी हर एक चीज़ों को देखता है, लेकिन केवल हमको विश्वास करना है। और उसी विश्वास की वजह से हम अपने जीवन में उस प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए देख पाएंगे। और जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करेंगे। अगर आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी आप मांगते हैं, प्रार्थना में विश्वास करते हैं, तो आपके लिए वह हो जाएगा। आप लोग ऐसा करके देखें और आपके जीवन में वैसा ही होगा जैसा आप सोचेंगे और जो प्रार्थना में आप मांगेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग इस तरीके से प्रार्थना करें, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, 100% देंगे। आप लोग यकीन करें और विश्वास करें और प्रभु से प्रार्थना करें। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबों को जय मसीह।